कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम इसराइल के जुल्म के खिलाफ, जो उसने जुमे के दिन फ़लस्तीनियों पर, नमाज को जाने वालों पर जुल्म किया है, 3 लोगों को शहीद और 400 को ज़ख्मी किया है, हालांकि हज़ारों ज़ख्मी हैं और सैकड़ों शहीद हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसा हमने मुनक़िद किया है। तमाम जमातों के नुमाइंदे आ चुके हैं और ये इसराइल एक नाजायज़ वजूद है ज़मीन के ऊपर, अरबों की सरजमीन के ऊपर, वहाँ के फ़लस्तीन के लोगों को बेदखल करके उनकी 90% ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेकर 10% ज़मीन पर उनको जीने का हक़ दिया है, वो भी 20 फीट ऊँची दीवार बनाकर। यह जुल्म तो चल ही रहा था, लेकिन अब नमाज की पाबंदी लगाकर, बाबरी मस्जिद अक्सा में नमाज पर पाबंदी लगाकर 48 साल के बाद पहली मरतबा वहाँ पर जुमा की नमाज नहीं हुई है। ये इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हिंद के जाने के बाद कुछ कानाफूसी हुई है और उसके ज़रिए से कुछ ऐसा प्रोग्राम बन रहा है कि गालिबन मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए पहले नमाज रोकी जा रही है। लिहाजा इस हाल और माहौल में एहतजाज करने के लिए जलसा मुनक़िद किया गया है। फ़लस्तीनियों के हिम्मत, हौसले और बहादुरी को सलाम करने के लिए जलसा मुनक़िद किया गया है और मुसलमानों को यह पैगाम देने के लिए कि इसराइल से बायकॉट करें उसकी तमाम चीज़ों का, कोई चीज़ इसराइल के मुल्क में बनी हुई तो उसको ना ख़रीदें और हमारी हुकूमत पर हम दबाव डालें कि इसराइल से ताल्लुकात को वो तोड़ लें, क्योंकि मुल्क का पहला वज़ीर आज़म है जिसने दौरा किया है। अब तक किसी वज़ीर आज़म ने इसराइल का दौरा नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो दहशतगर्द तंजीम RSS है और वो जो दहशतगर्द इसराइल है, दोनों में गठजोड़ हो गया है। उस गठजोड़ को रोकने के लिए दूसरे सेकुलर लोगों को भी आगे आना चाहिए और मुसलमानों को भी आना चाहिए। हमारा ये एहतजाज मुस्लिम अरब हुक्मरानों से भी है जो ऐशकोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फ़लस्तीन की मदद के लिए एक पैसा नहीं खर्च करते और वो इसराइल के जो सरबरा और उसके नाजायज़ बाप है अमरीका, उसकी दोस्ती करते हैं और उसके जेब भरते हैं, जबकि भूखे फ़लस्तीन लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अरब लोगों के खिलाफ भी हमारा एहतजाज है, हुक्मरानों के खिलाफ, अक़वामे मुत्तहिदा के खिलाफ एहतजाज है कि दुनिया के किसी मुल्क में, जैसे मशरिकी तिमोर के अंदर ईसाइयों ने एहतजाज किया हमको हमारा अलग होमलैंड चाहिए, तो वहां पर ईसाइयों के लिए मुल्क बना दिया। इस तरह से सोडान को 2 टुकड़े करके वहां पर अच्छा मारो भाई क्या यार। एक अप्रोच पेश करते हैं, हाई क्लास फैशन फैब्रिक्स, सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, ओल्ड ईदगाह रोड, राइन बाजार, हैदराबाद पर। आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों इफ्तिता अमल में आ चुका है। हाई क्लास फैशन फैब्रिक्स, सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, मर्दाना वजाहत की पहचान लिए, ईद और त्योहार की आन बान शान लिए, मशहूर कंपनियों के सूटिंग शर्टिंग्स का मियारी स्टॉक इस रमजान 10% डिस्काउंट पर हासिल कीजिए।
शादियों के लिए सूट, शेरवानी, सफारी, कुर्ता, पजामों के लिए मियारी कपड़ों का भरोसामंद शोरूम, हाई क्लास फैशन फैब्रिक्स, सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, ओल्ड ईदगाह रोड, रैन बाजार।